देश में आम चुनाव जब भी हों लेकिन सोनिया गांधी ने रायबरेली में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। आज उन्होंने यहां रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री में रेल कोचों को हरी झंडी देकर रवाना कराया है और ये रेल कोच फैक्ट्री पहले से ही बनने से पहले से ही विवादों में रहा है और साथ ही अपने भाषण के दौरान सोनिया गांधी ने मायावती का नाम लिए बिना ही इशारों उन पर हमले करते हुए कहा। जिस तरीके से मायावती ने इस रेल कोच फैक्ट्री को लेकर विवाद शुरू किया था, जमीन को लेकर तनातनी हुई थी, उनका नाम लिए बगैर सोनिया गांधी ने मायावती पर भी हमले किए। जब इस फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था तो कुछ लोगों ने इसके बारे में तमाम अफवाहें फैलाई थी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं और देख रहे हैं कि इसे बहुत ही कम समय में पूरा किया गया।